एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। गोबिंद सागर झील के किनारे स्थित लुहण मैदान में कल्लूर खेल परिसर के साथ लगाई गई रिटेनिंग वॉल लोगों के लिए खतरा बन गई है। पत्थरों के साथ बनाई गई इस दीवार से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं, जिससे रोजाना लुहण मैदान में आने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। वहीं समस्या के ध्यान में आते ही जिला प्रशासन ने खेल विभाग व लोक निर्माण विभाग को जल्द इस समस्या को हल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल के प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने जल्द ही एस्टिमेट बनाकर इस दीवार को ठीक करने का आश्वासन दिया है। खेल परिसर में जो रिटेनिंग वॉल है वो कुछ दिनों पहले वहाँ पे जो क्षतिग्रस्त हुई है और जिसको हमने प्रशासन के ध्यान में लाया है, पिछले कल ही वहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं वो मौके पे आए हैं और उन्होंने वहाँ पे मौके पे निरीक्षण किया है। मौके पे जिला युवा संघ खेल विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पे मौजूद रहे और जो हमने प्रशासन को अवगत कराया था उन्होंने पूरे ध्यान में रखते हुए और लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इसका एस्टिमेट बना के इसको हम पूरा करेंगे और फिर से हम यहाँ पे जो खेल विभाग का ये डंगा है इसको अच्छी तरह इसका निर्माण करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब मरीजों को ईएनटी स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा निजी क्षेत्र में पैथोलॉजी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा, उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड, एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल। इससे पहले एनआर अस्पताल में सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, हियरिंग एड व टेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें